subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जासूसों के भरपूर मारामारी के कारनामे तो सुन लिए हैं। अब आप में से कोई भी माइकल लाल उठे और ये सवाल करे कि हम आप लोगों के किस काम आ सकते हैं। क्या काम आ सकते हैं? अब मान लीजिए आपकी किसी जवान बेटी या बहन का रिश्ता कहीं से आता है और आप लड़के के चाल चलन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो सीधे हमारे पास आइए। हम आसानी से मालूम कर सकते हैं उसमें क्या क्या बुराइयां हैं। वो सिगरेट बीड़ी पीता है या नहीं, जुआ सट्टा मटका खेलता है या नहीं, और खेलता है तो कितना खेलता है, शराब पीता है या नहीं, और पीता है तो कौन सा ब्रांड पीता है, कंट्री या इंग्लिश, बोतलों के हिसाब से या ड्रम के हिसाब से पीता है, और सबसे बड़ी बात तो ये माल अपना खर्च करता है या दूसरों के माल पर गुलछने उड़ाता है। बिल्कुल ठीक बोलता है तुम। और सिर्फ यही बात नहीं, मान लीजिए आपके पास काले धंधे की कमाई है और आपका लाडला बेटा सारी कमाई लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कहीं भाग जाता है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसे में आप सीधा हमारे पास आइए, हम उस लाडले बेटे को ढूंढ निकालेंगे, उस काले धन का आधा हिस्सा करके सरकार को दे देंगे और आधा उस बाप को देकर उसे अंदर चला जाएंगे। इनका मतलब यह है कि आधा हिस्सा बेटे को देकर उसका उसकी गर्लफ्रेंड के साथ हैप्पी एंडिंग करा देंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिसे हम राष्ट्रीय भाषा में कहते अमर प्रेम। ठीक, बिल्कुल ठीक, बहुत समझदार लोग हैं, पब्लिक का भला चाहता है। तो इसी बात में बोलिए धर्मचंद जासूस जिंदाबाद, करमचंद जासूस जिंदाबाद, दो जासूस जिंदाबाद, दो जासूस जिंदाबाद। दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी, जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। दो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, प्यास लगे तो दूध पियो, दूध में पानी मिलता है, मंदिर में भी आज दिया नकली घी का जलता है। ना असली मिठाई है ना असली मलाई है, मावा है
चावल में कंकर बेहिसाब है। कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पर नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। शामिल है जहर दवा से बेहतर है। जहर भी नकली मिलता है मरना दे अब दूबर है। देश के सच्चे दुश्मन है ये जो मिलावट करते हैं। इनकी बदौलत कितने लोग मौत से पहले मरते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ाना सबसे बड़ा सवाब है। कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जरा सोचो सोचो जरा समझो समझो जरा संभल के रहियो जी। जब देखो हड़ताले हैं जाने किसकी चाले हैं। समझौते का नाम नहीं अग्नि में भी डाले हैं। दीवाने तूफान करें लोगों को हैरान करें। नेहरू जी को भूल गए बापू का अपमान करें। नेहरू जी को भूल गए बापू का अपमान करें। अपना ही घर भूख रहे हैं कैसा इनकलाब है। कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जरा सोचो हो जरा समझो हो जरा संभल के रहियो जी। जो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। कौन है सच्चा कौन है झूठा हर चेहरे पे नकाब है। जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहियो जी। जो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है। दुनिया बड़ी खराब है। अरे ये तो नोटिस लगा हुआ है जरा पढ़ के सुनाइए भैया। सब कर्जदारों को इतला दी जाती है कि हम जासूसी के सिलसिले में कश्मीर गए हैं। वहाँ से स्विट्जरलैंड तक जाना पड़ेगा। वापसी 4 महीने में होगी। आते ही सबका कर्जा चुका देंगे। अरे 4 महीने पहले भी इन दोनों ने एक नोटिस लगाया था कि जासूसी के सिलसिले में झुमरी तरैया गए हैं। और दूसरा दिन दोनों चिंपोकली का पुल पर मूंगफली खाता हुआ मिला। हमको देखकर खिंजीर का बच्चा भाग गया। जासूसी के चावलो छासूद। अरे हमारे पैसा नहीं दिए और कश्मीर घूमेंगे इन्हें। देखो लाला का जमाना का कलयुग आ गया। जियो करमचंद नोटिस बोर्ड का ड्रामा फिट कर खूब उल्लू बनाया तुमने कर्जदारों को। वो लोग भारत में सर पीट रहे हैं और हम लोग आराम से अंदर छुपे बैठे ठीक है ना। लेकिन वो ऐसा कब तक चलेगा हा? अब मुझसे क्यों पूछता है। 1000 बार मैंने मना किया कि अपने देश में जासूसी का धंधा नहीं चल सकता। तू ही बोलता था कि यहाँ जासूसी पंजाब जासूसी दुनिया नावल चलते हैं जासूसी का धंधा जरूर चलेगा। आपस में बहस करने से कोई फायदा नहीं। कोई फायदा दरअसल बात यह है कि हम दोनों ने कभी अपने काम पे ध्यान दिया नहीं। जब देखो समाज सेवा हलवाई को पकड़ लिए राशन वाले के पीछे पड़ गए। अरे भाई जिस दुकान पे 24 घंटे ताला पड़ा रहेगा वहाँ गाहक आएगा कैसे बोल। यू आर राइट करमचंद ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आज से समाज सुधार बंद। अब अपना पर्सनल काम शुरू। आज से अपनी दुकान 24 घंटे खुली रहेगी। डे नाइट सर्विस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैं चोर खिड़की से बाहर जाकर ताला खोलता हूँ। अरे अरे धर्मचंद क्या करता है बाहर लोग खड़े हैं। ताला खुलते ही वो जूते पड़ेंगे कि नन याद आ जाएगी। जरूर टेलीफोन कंपनी का है। लाइन काट देने की धमकी। बिल जो नहीं दिया जरा मस्का मार के बोल देना कि आपने 24 घंटे सर्विस चालू हो गई है। थोड़ा दूर में बिल भर देंगे। फोन ना देखिए हमें थोड़ा सा वक्त और दीजिए। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप बहुत मसरूफ जासूस हैं। आप मुझसे डबल फीस ले लीजिए मगर जल्दी चले आइए। डबल फीस फीस जी जी नहीं जी 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 डबल फीस किस बात की। पहले काम तो बताइए। काम मैं आपसे मिलकर ही बता सकता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ आप इसी वक्त आ जाइए। इसी वक्त जी 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 इसी वक्त कैसे आ सकते बाहर तो बहुत से लोग
जी दरअसल बात यह है कि बाहर कस्टमरों की बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है, हम जल्दी नहीं आ सकते। कोई भी तरकीब से आ जाइए, बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है ठीक है, अब अपना एड्रेस नोट कराइए। धनतेरस एड्रेस लिख। सेठ निहाल चंद खुशहाल चंद। सेठ निहाल चंद खुशहाल चंद। सेठ निहाल चंद खुशहाल चंद जी, 29 जुहू पार्ले स्कीम। 29 जुहू पार्ले स्कीम। ठीक है हम आते हैं। धनचंद देखा, आज ही काम की सोची और फौरन आप आ गई। गाड़ी पत्नी की निशानी है। साल भर से मैं इसके लिए परेशान था और आपने आते ही इसे ढूंढ निकाला। आप गलत समझ रहे हैं सेठ जी। जी, वो तो मेरा पांव आपके कालीन में। दरअसल सेठ जी, बात ये है कि इस होनहार जासूस की यही खासियत है, जहाँ इनके शुभ चरण पहुँचे कोई भी चीज हाथ में आ गई। अच्छा जी हाँ जी हाँ, अभी तो आपने सिर्फ हमारा ट्रेलर ही देखा है। मेन पिक्चर देखेंगे तो आपकी छुट्टी हो जाएगी। छुट्टी हो जाएगी। अच्छा सेठ जी, ये बताइए कि हम दो जासूस आपके बारे में, मेरा मतलब आपके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। जल्दी करवाइए। मेरी एकलौती बेटी हेमा मुझसे रूठ कर कहीं चली गई है, उसे ढूंढ कर लाना होगा। अरे सेठ जी, ये तो बहुत मामूली सी बात है। लड़की की फोटो अखबारों में छपवा दीजिए, कोई भी आरा करा उसे आपके पास छोड़ जाएगा। हाँ, हम दो इंटरनेशनल जासूसों के लिए ये एडवेंचर तो बिल्कुल फटीचर है, बिल्कुल बेकार है। चल। आप समझे नहीं, अगले सोमवार को मेरी बेटी की बारात आने वाली है। अगर अखबार में उसकी तस्वीर छप गई, लोगों को मालूम हो गया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई, तो बारात लेके कौन आएगा? धर्मचंद, सेठ जी की स्टोरी में काफी इमोशनल टच है। इंडियन बाप की इंडियन ट्रेजेडी। इस केस में काफी दम है। ये केस फौरन ले लेना चाहिए। यू आर राइट। आप फिक्र मत कीजिए सेठ जी, हम दो दिन के अंदर अंदर आपकी बेटी हेमा को ढूंढ निकालें। जी हाँ, लेकिन वो फोन पे किया हुआ डबल फीस का वादा मत भूलिएगा। भूलूंगा कैसे, मैं इस काम के लिए आप लोगों को 5,000 दे सकता हूँ। 5,000? 5,000 अगर कम मालूम होता हो तो अंगूठी ढूंढने की फीस मिलाकर 10,000 कर लीजिए। 10? क्या हुआ? मगर सेठ जी ये बताइए, कुछ एडवांस वगैरह मिलेगा? हाँ जरूर। कितना चाहिए? है यही 150। कम से कम 1,000। ये लीजिए एडवांस। मगर सेठ जी, आपकी बेटी की कोई तस्वीर है? हम उसे पहचानेंगे कैसे? तस्वीर जरूर है, आप लोग यहीं बैठिए, मैं अभी लाता हूँ। स
सहेलियों की तस्वीरें ज्यादा और अपनी कम, ये रही मेरी लाडली बेटी। पता नहीं तू इस वक्त कहाँ किस हाल में। अरे मेरा चश्मा, चश्मा किधर गया? अरे अरे इधर टूट गया। देख तेरी की अब कौन सी तस्वीर है, हाँ कौन सी तस्वीर है, हाँ शायद यही होगी। अरे अरे सर जी क्या हुआ? गिरकर चश्मा टूट गया और बगैर चश्मे के ठीक से दिखता नहीं। ये रही मेरी बेटी की तस्वीर, आज से ही इसे ढूंढना शुरू कर दी। अरे घबराते क्यों सेठ जी, आपकी बेटी को तो शाम से पहले घर पहुंचा देंगे। धर्मचंद कमाल हो, जिंदगी पहली बार इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और एडवांस रुपया भी मिल गया है यार। वो तो ठीक है मगर लड़की का मामला है, ढूंढने में काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी। भागदौड़? करमचंद हाँ भागदौड़ करना है तो क्यों ना राधा को अपने साथ ले ले। राधा? हाँ राधा राधा। अरे तो चलो भी साथ लेते हैं। हाँ चल आ जा, आ जा आ जा। बोल धनलाल कहाँ हमारी राधा? अब शराबत से उसे हमारे हवाले कर दो। इतनी गर्मी क्यों खा रहे हो भैया, माल लाओ और राधा को ले जाओ। अरे तो तुम क्या समझते हैं बगैर माल के आए हैं? चले करमचंदी से, अरे कड़की के वो जमाने गए समझे। कितने माल? 200 रुपए पूरे। ये ला 10 रुपए पूरे, निकालो राधा। वो रही तुम्हारी राधा सामने। राधा 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 प्यारी राधा। मैंने तुम्हारे इंतजार में बस कैसे काटे मैंने, मैं ही जानता हूँ राधा। अबे धनलाल ये तो स्टार्ट ही नहीं होती। अरे उसमें पेट्रोल डालोगे स्टार्ट होगी या ऐसे स्टार्ट हो जाएगी? ये करमचंद तो भूल ही जाता है कि जिंदगी में इसने कभी राधा में पेट्रोल डाला ही नहीं है। अरे मिस्त्री लोग आओ सड़क का धक्का लगा यार, आ जाओ। अरे बस 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 जाओ तुम लोग। ए धर्मचंद फार्मूला 007 रेडी? फॉर्मूला 007 रेडी। अरे देखो गाड़ी आ रही है। मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं? धर्मचंद हाँ निकाल ले खूंटिया, चंबूर की तरफ घूम गया है। अरे निकाल। अरे तो अभी ले अभी ले। राकेश मुझे तो तुम्हारी नियत पर शक होने लगा है। मेरी नियत पर शक? क्या बात कर रही हो दादी, तुमको नहीं मालूम मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे सकता हूँ। फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते? तुम्हारे ये कहने पर मैं अपने खानदान की इज्जत को ठुकरा कर घर से भाग आई हूँ। अब ना ही तुम मुझसे शादी कर रहे हो और ना ही मुझे शहर से कहीं और ले जा रहे हो। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता तो बहुत कुछ था डार्लिंग, मगर क्या करूँ, तुम घर से भागी भी हो तो सिर्फ 2-4 हजार के जेवरों के साथ। ज्यादा माल लेकर आती तो शादी में मजा आ जाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेरे लिए नहीं मेरे डैडी की दौलत के लिए मुझे घर से भगाया? तुमने मुझे धोखा दिया राकेश? अरे ये बोलो कि नहीं, ये तो कोई और ही है। छोड़ो। अरे हाँ ये वो लड़की तो है ही नहीं। सॉरी बेबी सॉरी, मैंने खामखा तुम्हारे लालची रोमी कुमार के भगा दिया। अच्छा किया अच्छा किया, कम से कम इस बिचारी की आंखें तो खुल गई। वो कमीना दौलत के लालच में इस मासूम की जिंदगी तबाह करना चाहता था। जाओ बेबी जाओ, तुम अपने घर चली जाओ। लेकिन अब तो मैं कहीं की नहीं रही, उस पर भरोसा करके अपने घर से भागकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब मेरे लिए खुदकुशी के सिवा और कोई रास्ता नहीं। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती कभी मत करना, तुम सीधी घर चली जाओ, तुम्हारे मामा तुम्हें माफ कर देंगे। क्या सचमुच मेरे डैडी मुझे माफ कर देंगे? क्यों नहीं माफ करेंगे, बच्चे हमेशा गलतियां करते हैं और माँ बाप हमेशा माफ कर दिया करते हैं। अच्छा मैं अभी इसी वक्त घर लौट जाऊंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा करमचंद लगता है आजकल लड़कियों का घर से भागने वाला सीजन चल रहा है। Oh,
ए मिस्टर, क्या चाहिए? सॉरी, कुछ नहीं कुछ नहीं, लड़ी फूल चले आते हैं। इडियट। ओ डार्लिंग, यू डोंट नो हाउ मच आई लव यू। आई एम लोनली हियर। व्हेन यू विल कम डार्लिंग? माफ कीजिए, सॉरी सॉरी सॉरी। तुम लोग यंग छोकरी को अकेला देखकर छेड़ता है? नहीं 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 और ये न जाने अपने बॉयफ्रेंड के साथ क्या कर रही है। आ जा। नहीं नहीं नहीं, मैं बिजली हूँ, तितली हूँ, हिरनी हूँ। बिजली हूँ, तितली हूँ, हिरनी हूँ, तेरे हाथ न आऊंगी, दिन रात सताऊंगी, मैं छुप छुप जाऊंगी। अरे अरे, मैं बादल हूँ, भवरा हूँ, झरना हूँ, मैं शोर मचाऊंगा, गा गा के बुलाऊंगा, पीछा ना छोड़ूंगा। अरे अरे, मैं बिजली हूँ, तितली हूँ, हिरनी हूँ। शक्तिमान, हमारा बेड़ा पार लगा दे, खोई हुई लड़की मिला दे। इनाम का आधा हिस्सा, पूरे 5,000 हम तेरे नाम से दान कर देंगे। ऐ परवरदिगारे आलम, तलाश गुमशुदा पूरी कर। इनाम का आधा हिस्सा हम तेरे नाम से गरीबों में खराज कर देंगे। ओ लॉर्ड, प्लीज हेल्प अस, यू आर आवर रियल पार्टनर, वी विल शेयर आवर रिवॉर्ड 50-50।
करमचंद यार हमने बहुत गड़बड़ कर दी। कौन सी गड़बड़? देख इनाम का जो रुपया हमें मिलेगा वो है 10,000। हाँ मेरे को 10,000। लेकिन अभी अभी हमने 3 भगवानों को आधा आधा देने का वादा किया। हाँ? हो गए 15,000। अरे ये ऊपर का 5,000 कहाँ से लाएंगे? अरे तू एक दफा माल तो हाथ में आने दे, ये भगवान लोगों से मैं खुद समझ लूंगा। और फिर तू ये नहीं जानता ये भगवान लोग होते ना ये पैसे के तो बिल्कुल लालची नहीं होते, इनको तो इंसान की सच्ची श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा? श्रद्धा तो अपनी बहुत पक्की है। आजा। अच्छा तो करमचंद, हाँ, गॉड लोगों को तो ले लिया हमने कॉन्फिडेंस ले लिया, लेकिन अब करना क्या होगा? अरे करना क्या है, प्रोग्राम वेरी इजी। देख जब एक जवान छोकरी अपने जवान बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग जाती है तो सीधी सैर करने के लिए कश्मीर चल जाती है। तो ऐसा कर सीधा बॉम्बे सेंट्रल चला जा और कश्मीर मेल के सारे डब्बे छान मार। अगर वो दार्जिलिंग चली गई तो? हो सकता है, वेरी मच पॉसिबल। तो तू ऐसा कर, मैं जाता हूँ बॉम्बे सेंट्रल, तू चला जा विक्टोरिया टर्मिनल और वहां पर कैलकाटा मेल वाया नागपुर और इलाहाबाद दोनों ट्रेनों को अच्छी तरह से देख ले। ओके, वेरी गुड। अरे वो हमारे 10,000 का उंडी मिल जाता है, आपका एक एक पाई चुका देता है। हमारे 10,000 का उंडी चला गया सर। अरे जेब में फूटी कौड़ी नहीं, हजारों की बात करें तो। अरे निकाल पैसा है कि कश्मीर का है और यहाँ रास्ते में लड़कियों को छोड़ देते हैं। मेरे मकान का किराए का 250 रुपया, मेरा 200 रुपया, हमारा ब्याज का 150 रुपया। ठीक है ठीक है ठीक है। जी हाँ सरिता देवी, इस वसीयत नामे का मैं भी एक गवाह हूँ, इसलिए ये खुशखबरी आप तक पहुँचाना मैंने अपना फर्ज समझा। सेठ दीनदयाल की आखिरी ख्वाहिश थी कि उनकी सारी जायदाद आपकी इकलौती बेटी पिंकी वर्मा को मिले। मुझे तो विश्वास नहीं होता भैया, सेठ दीनदयाल ने हम लोगों के साथ बहुत बुरा किया, धोखे और मक्कारी के साथ मेरे पति की सारी जायदाद हड़प कर ली। मेरे पति के इंश्योरेंस से जो हमें गुजारे के लिए हर महीने मिलता है, शायद दीनदयाल कोई और मक्कारी का जाल फैलाकर वो भी हमसे छीन लेना चाहते हैं। हम पर विश्वास कीजिए बहन जी, वो यही चाहते थे कि जो कुछ उन्होंने आप लोगों से छीना है वो सब कुछ लौटा कर ही उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या बात है माँ, ये सब लोग कौन है? बेटी ये सेठ दीनदयाल के वकील है। तुम्हारा हक तुम्हें लौटाने की खबर लाया हूँ रानी बेटी। सरिता देवी अब हमें आज्ञा दीजिए। अरे हाँ कल नए साल की छुट्टी है, परसों रविवार, मैं सोम में मंगल को आकर कुछ अदालती कागजात पर आप दोनों के दस्तखत ले जाऊंगा। अच्छा भैया बड़ी मेहरबानी। माँ तुम तो कहा करती थी कि उस सेठ का कोई इकलौता बेटा भी है, फिर उसने अपने करोड़ों की जायदाद अपने बेटे को ना देकर मेरे नाम क्यों कर दी? बेटी वकील साहब बता रहे थे कि वो लड़का बच्चलन और आवारा है, बाप की मरते वक्त वो जेल में था। बड़ी खुशी की बात है तुम जेल से छूट कर आ गए। थैंक यू। मगर एक बहुत मनहूस खबर है। मनहूस खबर? क्या? तुम्हारे बूढ़े पिताजी मर गए। मैंने सोचा कोई और बात है। मगर वो करोड़ों की जायदाद जिसके लिए तुम उनकी मौत का इंतजार कर रहे थे, वो उन्होंने चमनलाल वर्मा की अकलौती बेटी का नाम वसीयत कर दी। क्या? जी हाँ। इसका मतलब है कि उस कमीने जनरल सिन्हा ने मुझे सिर्फ जेल ही नहीं बचवाया। यहाँ मैं जनरल सिन्हा बोल रहा हूँ जी। हाँ ठीक है मैं अभी भेज देता। अशोक बेटे वो इंटरनेशनल क्लब के मैनेजर का फोन था। बेटे वो तुम्हें आध घंटा पहले बुला रहे हैं, कहते हैं म्यूजिशियंस नए हैं उनकी तुम्हारे साथ रिहर्सल बहुत जरूरी है। अच्छा डैडी चला जाता हूँ। लेकिन डैडी ये क्या, आज तो न्यू ईयर ईव का खास प्रोग्राम है, आप पूना जा रहे हैं? आप भी होते तो बड़ा मजा आता। बेटे मेरा पूना जाना बहुत जरूरी है, वो गिरधारी का बच्चा जिद कर रहा है कि उसके नए प्रेस का उद्घाटन मेरे ही हाथों होना चाहिए। डैडी ये आखिर गिरधारी अंकल हैं कौन, अब सुबह भी उनका जिक्र कर रहे थे। गिरधारी अंकल तुझे बिल्कुल याद नहीं बेटे? नहीं डैडी। अरे बचपन में कितना खेलते थे तुम उनके साथ, वो दाढ़ी वाले हमेशा चॉकलेट लाया करते थे तुम्हारे लिए। हाँ चॉकलेट वाली बात तो याद है लेकिन शक्ल बिल्कुल याद नहीं। अच्छा चलता हूँ डैडी। लेकिन डैडी वो पिंकी मेरे साथ जाने वाली थी और उसको 9 बजे का टाइम दिया मैंने। ओहो पिंकी की फिक्र तू मत कर, वो यहाँ आएगी ना। हाँ। मैं स्टेशन जाते जाते क्लब छोड़ता जाऊँ। अच्छा डैडी बाय बाय डैडी। ओह आई एम सॉरी।
नमस्कार सन्ना साहब। प्रेम तुम जेल से वापस आ गए, सजा खत्म हो गई तुम्हारी? जी हाँ जनरल सन्ना साहब, आपने मुझे जेल भिजवाने के लिए ना जाने पेपरों के कितने सफे काले कर दिए, और कानून की नजरों में भी ये साबित कर दिया कि मैं काले धंधे करता हूँ। चोरी, ब्लैक मेलिंग, स्मगलिंग मेरा पेशा है। प्रेम तुम कहना क्या चाहते हो? कहना यही चाहता हूँ कि तुम्हारी ये 3 महीनों की दिलाई हुई सजा मुझे मौत से भी ज्यादा महंगी पड़ी। इन 3 महीनों में मेरा वो बीमार बूढ़ा बाप मर गया जिसकी मौत की दवाई मैं पिछले 3 सालों से मांग रहा था, ताकि उसकी मौत के बाद मैं उसकी तमाम जायदाद का मालिक बन सकूं। लेकिन दुख की बात यह है कि उसने मेरे नाम एक फूटी कौड़ी भी नहीं छोड़ी, क्योंकि उसकी नजर में मैं एक बदनाम, बदमाश और बदचलन बेटा था। और ये 3 शानदार सर्टिफिकेट मुझे सिर्फ आपने दिलवाए थे। सिन्हा साहब, मैं आपके सामने अब सिर्फ जेल से छूट कर ही नहीं, बल्कि अपना सब कुछ लुटा के आया हूँ, और टूटने वाले को मैं कभी जिंदा नहीं
चढ़ गई अंगूर की बेटी चढ़ गई अंगूर की बेटी चढ़ गई। गले के नीचे उतरी के सीधी सर पे चढ़ गई। गले के नीचे उतरी के सीधी सर पे चढ़ गई। अब जो भी कहेंगे हम सच कहेंगे, कोई माने न माने मनवा के रहेंगे। ओए 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 चढ़ गई अंगूर की बेटी चढ़ गई अंगूर की बेटी चढ़ गई। जिसकी जेब में माल नहीं है उसके लिए नया साल नहीं है। जिसकी पॉकेट भारी भारी उसकी जेब में दुनिया सारी। अरे क्या है राजा क्या है भिखारी, सबको पैसे की बीमारी। हमसे निगाहें कौन मिलाए, कड़कों से दिल कौन लगाए। क्यों भाई धर्मचंदा? हाँ भाई करमचंदा। अंगूर की बेटी है साथ हमारे, ये हमको प्यारी हम इसको प्यारे। ओए 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 लड़ गई अखलाल परी से लड़ गई। चढ़ गई अंगूर की बेटी चढ़ गई। है जैसी है नहीं वैसी, कुछ है बाहर कुछ है अंदर, नाम के इंसान काम के बंदर। बड़े बड़े यहाँ चक्करधारी, इनसे सीखो दुनियादारी। करे आरती बन के भिकारी, सुन लो भगवन अरज हमारी। रघुपति राघव राजा राम, भर दे मेरे गुदाम। रघुपति राघव राजा राम, भर दे मेरे गोदाम। भूखा मर जाए देश तमाम, सब कुछ लिख दे मेरे नाम। हरे हरे नोटों को पर नाम, सब कुछ लिख दे मेरे नाम। बोलो जय रघुनंदन जय सिया राम, पूरन कर दे अपने काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, पूरन कर दे अपने काम। अंगूर की बेटी है सबसे अच्छी, जो पिए वो बोले गल सच्ची सच्ची। ओए 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 पड़ गई हमें इसकी आदत पड़ गई। चढ़ गई अंगूर की बेटी चढ़ गई। गले के नीचे उतरी के सीधी सर पे चढ़ गई। चढ़ गई सब समझते हैं क्या? चढ़ गई। I'm very sorry. Ladies and gentlemen, आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए। दरअसल मैं अपनी छोटी बहन को ढूंढ रहा हूँ जो बेचारी पागल है और घर से भागकर यहाँ चली आई है। दीवानगी की हालत में वो कुछ भी कर सकती है, यहाँ तक कि वो अपनी जान भी दे सकती है। आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप लोग उसे ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। मगर भाई साहब आप किस पगली बहन का हुलिया क्या है वो तो बताइए। जी बस वो इसी किस्म का लाल रंग का फ्रॉक पहने हुए हैं। लाल रंग? वेट होल्ड ऑन तुम में से दो आदमी फौरन जाके गेट पे खड़े हो जाओ ताकि वो भाग ना जाए। और जिन लड़कियों ने लाल कपड़े पहने हुए सब सामने आ जाओ। फट फौरन चलो जल्दी करो। देखिए ओके
ये तो हो ही सकती चलिए ये भी नहीं तो ये होगी इनमें से कोई भी नहीं तो देखिए ये यहाँ छुपी हुई थी जरूर यही होगी इसे देख लीजिए अच्छी तरह से देख लीजिए यही है अरे थमचंद ये तो वही लड़की जिसको हम ढूंढने निकले हुए हैं जरूर जाल में काला है हाँ मिस्टर नकाबपोश भाई भाई रुक जाओ छोड़ दो इस लड़की को ये तुम्हारी बहन नहीं है इसकी फैमिली बैकग्राउंड अच्छी तरह जानते हैं ये अपने बाप की इकलौती बेटी और घर से भागी है इसी की तलाश में तो हम भटक रहे हैं क्यों क्या हुआ मरी होगी गरे के नारी भक्तों ने जितनी चढ़ी थी उतार दी चढ़ी थी ना वो अंगूर की बेटी भी उतर गई देख इधर कोई बाटली में थोड़ी सी लाल परी बची है क्या बाटली में कहां से होगी सारी बाटलियां तुमने तोड़ डाली डम 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 हाँ
चल चल ठरे की दुकान पे चलते, नौटंक वहीं मारेंगे। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा, आप उसे हजारों में खड़ा कर दीजिए, मैं उस कमीने को पहचान लूंगी। इस मर्डर की आई विटनेस मिस पिंकी के अलावा और कोई नहीं जो कातिल को पहचान सके। मिस्टर अशोक, हमें आपके डैडी की लाश के साथ टाइप किया हुआ एक कागज मिला है, क्या आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे डैडी की स्पीच थी, कल रात वो पूना जाने वाले थे, वहाँ उनके एक बचपन के दोस्त रहते हैं जिन्हें मैं गिरधारी अंकल के नाम से जानता हूँ, उन्हीं के नए प्रेस का उद्घाटन आज मेरे डैडी के हाथों होने वाला था। क्या आपके डैडी के दोस्त अक्सर यहाँ आया जाया करते थे? जी नहीं, मैंने उन्हें बचपन में देखा था, अब तो सूरज शक्ल भी याद नहीं रही। हाँ सिर्फ इतना याद है कि उनके चेहरे पर दाढ़ी रहती थी और वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मिस्टर, आप किस अखबार के फोटोग्राफर हैं? सुंदर दिखली। आई सी, जानता हूं कि मरहूम सिन्हा साहब के ताल्लुकात प्रेस वालों के साथ बहुत अच्छे थे, लेकिन किसी आई विटनेस के फोटोग्राफ पेपर में नहीं छापे जा सकते। आई एम सॉरी ऑफिसर। आइए फिल्म मुझे दीजिए। ऑफकोर्स बार। मेरी प्रेस वालों से रिक्वेस्ट है कि इस लड़की की फोटोग्राफ और नाम किसी पेपर में ना छापे। ओके सर, थैंक यू। मिस्टर अशोक, अगर फिर जरूरत पड़ी तो आपको तकलीफ देंगे, राइट? आइए सर। ऑफिसर फिल्म। हेलो, कॉल फ्रॉम पूना। कौन? गिरधारी अंकल। हाँ अंकल, मैं अशोक बोल रहा हूँ। बेटा अशोक, तुम्हारे डैडी अभी तक पूना नहीं पहुँचे, क्या बात है? अंकल, डैडी अभी कभी नहीं पहुँच सकते, वो इस दुनिया में नहीं रहे, उनका किसी जालिम ने खून कर दिया है। ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ठीक कह रहा हूँ अंकल, मैं इस वक्त बम्बई के लिए निकलता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। अब फौरन इस वक्त चल पड़िए अंकल, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। हाँ मैं अभी आ रहा हूँ। ये उस लड़की के बचपन की तस्वीर है जिसके नाम पिताजी ने वसीयत की है। 12 साल पहले ये लोग मरीन ड्राइव पर रहते थे, आजकल सुना है माँ बेटी बाइक क्लब ब्रिज के आसपास कहीं रहते हैं। उस इलाके का चप्पा चप्पा छान मारो। लेकिन बॉस, अब तक तो ये लड़की जवान हो चुकी होगी, हम इसे पहचानेंगे कैसे? बेवकूफ, इस लड़की की बुढ़िया माँ को पहचानी जा सकती है या नहीं? हाँ ठीक। तो फिर आप दोबारा अपने पिताजी की तमाम जायदाद का मालिक बनने के लिए मुझे इस लड़की से ही शादी करनी पड़ेगी। फौरन जाओ इस लड़की की तलाश करो। वाह वाह, तहसुर, 6 महीनों में इतने बदल गए। जेल जाने से पहले शादी का वादा मुझसे किया और अब शादी करा दे किसी और से? ऐसे वादे मैंने जिंदगी में कई लड़कियों के साथ किए हैं, मगर वो समझदार थी। अगर तुम्हारी तरह बेवकूफ होती तो आज यहाँ लाइन लग जाती, लाइन। मगर मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। Shut up! मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, निकल जाओ यहाँ से। प्रेम, अगर तुमने मुझे और अपने बच्चे को स्वीकार ना किया तो मैं तुम्हें अदालत तक ले जाऊंगी। मैं अपने खिलाफ खुलने वाले मुंह को बंद करना अच्छी तरह से जानता हूँ। पहले मैं तुम्हें गोली मारूंगी, उसके बाद खून भरूंगी। प्रेम, मुझे पहले ही मालूम था ये लड़की जरूर तुम्हारे गले पड़ेगी। गंगा, लाश ठिकाने लगाओ। जान बचाने का शुक्रिया मोती। प्रेम, आजकल मेरा स्मगलिंग का बिजनेस बड़े जोरों में चल रहा है, तुम फालतू बातों में अपना वक्त जाया मत करो, पहले की तरह मेरे साथ काम करना शुरू कर दो। लाखों रुपए कमाना तुम्हारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं। मैं भी यही सोच रहा था मोती, लेकिन जब तक मैं उस लड़की को खत्म नहीं कर लेता जिसने मुझे फोन करते हुए देखा है, मैं चैन से कुछ भी नहीं कर सकता। बॉस, लड़की का फोटो तो मैंने खींच लिया था, लेकिन पुलिस ने फिल्म छीन ली। फिल्म छीन ली? हाँ, मगर वो लड़की का ये भी पता नहीं कर सका, लेकिन इस वक्त सिन्हा घर पे मौजूद है जहाँ मैं पूना वाला अंकल बनके फौरन पहुंचना चाहिए। पूना वाला अंकल? जी हाँ, ये मैं समझा दूंगा, आप बंदे चलिए। अच्छा मोदी, सी यू इन द इवनिंग, विश यू बेस्ट ऑफ लक। ऑलराइट, थैंक यू भैया। थैंक यू सर। जैकेट, क्यों ठीक है? गया एकदम गिरधारी अंकल, जल्दी कीजिए प्लीज। हरिया चलो।
में कुछ खाया पिया नहीं है, थोड़ा थोड़ा खा लो। नहीं कमला बहन, मुझे भूख नहीं है। पिंकी तुम खा लो। अशोक, अशोक मेरे बेटे, मेरे लखते जिगर अशोक, कहाँ है मेरा दोस्त ना? कितनी देर है मैंने छोड़कर चला गया। माफ कीजिए, मैं मरुण सिन्हा साहब का बेटा अशोक हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बेटे अशोक, मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तो हूँ तुम्हारा पुना वाला गिरधारी अंकल। याद है तुम्हें, बचपन में तुम्हें मेरी गोद अपने माँ बाप की गोद से ज्यादा प्यारी थी। अरे जीत रहो बेटा, जीत रहो। लेकिन मुझे ये बताओ, कौन है वसान जिसने मेरे बचपन के दोस्त का खून किया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी बॉडी बॉडी नाच लूंगा। यही जज्बा तो हम सबके दिलों में है। पिंकी ने उस हरामजादे को अपनी आंखों से खून करते देखा है। पिंकी? कौन पिंकी? मैं हूँ अंकल, मैंने अपनी आंखों से उसे छुरा मारते देखा है। अरे कितनी मासूम और भोली वाली गुड़िया है। अरे बेटा अशोक, जब पिंकी सिर्फ इस कत्ल की आई विटनेस है तो वो कमीना खूनी जरूर इसकी जान का भी भूखा होगा। क्या पुलिस ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया? मेरा मतलब है, इसे अपनी निगरानी में क्यों नहीं रखा? मैं ये तो नहीं जानता कि पुलिस ने कोई कदम उठाया या नहीं, मगर हम लोग हर वक्त इसके साथ हैं। ये बेवकूफ भी, देखो बेटा हमने दुनिया देखी, ये तीरो तलवार का जमाना नहीं। आजकल कातिल किसी भी खिड़की से गोली चला सकता है। तुम अभी और इसी वक्त मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। आखिर ये पुलिस वालों ने समझ क्या रखा है? किसी मासूम की जान ना हुई को खेल तमाशा हो गया। मगर अंकल, अगर मगर कुछ नहीं बेटा। गिरधारी बाबू ठीक कहते हैं, हम सबको पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। नहीं, आप सब लोगों के जाने से बात बिगड़ जाएगी। पुलिस का मामला है, सख्ती वही कर सकता है जिसकी चलती है, समझे? आ बेटा, आ बेबी। और देखो, अगर वो बदमाश कातिल दोबारा यहाँ आए तो फौरन पुलिस स्टेशन को फोन करना। आ बेटा। राम सिंह, पुलिस स्टेशन ले चलो। पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ, पुलिस स्टेशन। जल्दी करो, आज मैं सारे पुलिस डिपार्टमेंट को सुधार दूंगा। अरे क्या हुआ राम सिंह? कार पंक्चर हो गया साहब। ओहो, जल्दी बदली करो इसको। हाँ जी। लगता है साले गुंगे ने लाश गलती से इस गाड़ी में रख दी। हे मिस्टर, सलाम। क्या बात है, गाड़ी भी सड़क में क्यों रोक दी? सारे टायर पंक्चर हो गया साहब। इसमें क्या है? इसमें तो कुछ नहीं साहब। जरा खोलिए। हाँ हाँ खोलिए। आप कहते हैं तो देख लीजिए। इंस्पेक्टर साहब। अरे अशोक तुम? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम लोग आप ही के पास पुलिस स्टेशन आ रहे थे कि रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई। ओह आई सी, टायर बदली करने में काफी देर लग जाएगी। ऐसा करो, मैं ड्यूटी पर पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, तुम सब लोग मिस्टर टैक्सी में आ जाओ, वहीं चल के बातचीत करेंगे। हाँ, ओके, थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। राम सिंह, हाँ जी, तुम स्टेपनी चेंज करके गाड़ी को पुलिस स्टेशन ले आओ। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। हाँ। आइए। तशरीफ रखिए। तशरीफ क्या खाकर रखूं? इंस्पेक्टर साहब, मुझे आपके डिपार्टमेंट से बहुत बड़ी शिकायत है। खूनी खून करके चला गया और खून होते हुए जिसने देखा उस मासूम बच्ची की जिंदगी खतरे में, और आपने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। मैं पूछता हूँ, क्या यह अकेला लड़का इस बच्ची की जिंदगी की हिफाजत कर सकता है? इस तरह तो इन दोनों बच्चों की जिंदगी खतरे में है और आप लोग हैं कि हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे। सबसे पहले ये बताइए कि आप हैं कौन और इस केस में दखल देने का आपको क्या हक है? इंस्पेक्टर साहब, ये अशोक के अंकल हैं। जी हाँ साहब, मैंने जिन पूना वाले अंकल का जिक्र किया था ये वही हैं। क्या बताऊँ इंस्पेक्टर साहब, कैसे कैसे अरमान लेकर मैं अपने दोस्त सिन्हा के इंतजार में तड़प रहा था। सोचा था मेरा प्यारा दोस्त आएगा और अपने हाथों से मेरी नई प्रेस का उद्घाटन करेगा, लेकिन अब तो मैंने उस मनहूस प्रेस को खोलने से पहले ही बंद कर देने का फैसला कर लिया है। मगर आप पुणे से आए कब? जैसे ही अशोक ने टेलीफोन पर यह खबर दी, मैं अपना कारोबार बंद करके बंबई के लिए निकल पड़ा।
इंस्पेक्टर साहब सिन्हा की मौत ने मेरे दिल पर बहुत बड़ा सदमा पहुंचाया है। ये बात तो मैं आपकी हालत देखकर ही समझ गया कि आप बहुत जज्बाती नजर आते हैं। हमें अपनी तहकीकात का राज बताना तो नहीं चाहिए, क्योंकि इस केस से आपका जज्बाती रिश्ता है। मैं आपको इतना यकीन जरूर दिला सकता हूं कि आई विटनेस पुलिस की पूरी निगरानी में है और हमारे सीआईडी के कम से कम 15 आदमी सादा लिबास में मिस्टर अशोक और मिस पिंकी के घरों के आसपास ड्यूटी पर मौजूद। मिस्टर अशोक और मिस पिंकी को साथ लेकर जब आप घर से यहां आए तो हमारे ये दो सीआईडी के आदमी आपका भी पीछा कर रहे। ये तो आपकी खुश नसीबी है कि आप मिस्टर अशोक के पहचान वाले निकले, वरना मैं आपको हवालात का मेहमान बना लेता। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, मैं तो खामखा घबरा रहा था। आप मुझे यकीन हो गया कि कानून कमजोर नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके बंदोबस्त से बहुत खुश हूँ। अच्छा, अब हमें जाने की इजाजत दीजिए। राइट, चलो बेटा, चलो बेबी चलो। राम से। ये साहब इनकी खास पहचान वाले हैं, आप इनका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं। तुम दोनों एयरपोर्ट की ड्यूटी पर जाओ। बेटा अशोक, ये इंस्पेक्टर की बातों से मुझे कोई खास तसल्ली नहीं हुई। ऐसा करते हैं, कमिश्नर साहब से मेरी अच्छी खासी पहचान है, चलो सीधा उनके पास चलते हैं। बहुत अच्छा, चलो। राम सिंह, गाड़ी चला दो। अरे बाबा जल्दी करो, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई भाई दादा, पेट्रोल डाल दो, जल्दी आओ। जल्दी नहीं गया हूँ। कितने पेट्रोल चाहिए? आधा लीटर। बस आधा लीटर ही नहीं तो क्या आधा ड्रम? 3 साल पहले 3 लीटर डलवाया था, आज तक टैंकी में 2-4 बूंद पड़ा है। आजकल सरकार कम पेट्रोल इस्तेमाल करने को बोलती है, इसलिए हम 6 महीने का कोटा यानी के आधा लीटर एक साथ डलवा रहे हैं। नहीं साहब, यहाँ आधा लीटर पेट्रोल नहीं मिलता, कम से कम 1 लीटर लेना चाहिए। अरे तो 1 लीटर डाल दो। अरे करमचंद, देख धर्मचंद बोल, आज हम नए साल के नए दिन पेट्रोल डलवा कर नया एडवेंचर शुरू कर रहे हैं। हाँ। राधा के सर पे हाथ रख के कसम खाएं, इस पेट्रोल को कम से कम 1 बरस चलाएंगे। 1 बरस यानी कि आइडिया नंबर 007 का इस्तेमाल करते रहेंगे। ड्राइवर गाड़ी रोक। बेटा अशोक, सामने वाली दुकान से जरा एक गोल्ड फ्लेक पैकेट सिगरेट ले आना। शाबाश शाबाश बेटे, शाबाश, जीते रहो बेटे। भाई एक पैकेट गोल्ड फ्लेक देना। अंकल, पिंकी, चुप, अशोक की बच्ची। अरे धर्मचंद, वो देख गाड़ी आ रही। संभाल अपनी खूंटी जरा होशियारी से, डाल दे फंदा। अरे तू घबरा मत, जय जेम्स बॉन्ड 007। अरे धर्मचंद, निकाले जल पुणे की तरफ घूम गया। अरे निकाल। दोनों हमारा पीछा कर रहे हैं। राम सिंह, गाड़ी तेज चला। ए मिस्टर, तुम लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? हम आपका पीछा नहीं कर रहे, हमारी खूंटी आपकी गाड़ी में फंस गई। लेकिन ये खूंटी फंसी कैसे? पेट्रोल बचाने के लिए आपकी गाड़ी के बम्पर में खूंटी फंसा दी। बेवकूफ कहीं के। राम सिंह, निकाल दो इनकी खूंटी बाहर। अभी निकालता हूं।
ये लो अपने फूटे। करमचंद करमचंद, ये तो वही लड़की है जिसकी हमें तलाश है। बैड लक, सेठ जी की लड़की को सही सलामत घर भी नहीं पहुंचा सके और वो कमीना हमारी राधा को भी लेकर भाग गया। करमचंद, जरा जेब में से टॉर्च तो निकाल, अंधेरा पड़ रहा है। निकालता हूँ। अरे करमचंद, करमचंद क्या? अरे वो कमीने बेवकूफ, हमारा सामान तो यही फेंक गए।
अरे कैमरा दूरबीन समझ कर फेंक कर, अरे असल बात मालूम होती कि ये क्या है तो कभी नहीं फेंकते। आहिस्ता बोल, जंगल के भी कान होते हैं। हाँ कान होते हैं। दर्शन, इस अंधेरे जंगल के रास्ते में ये खूबसूरत गृहिणी और वो भी अकेली, क्या ख्याल है तेरा? नेक ख्याल है उस्ताद। आख शाबाश खुशरा जवान। क्यों, क्या बात है? जी भाई साहब, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए, मुझे बम्बई तक जाना है। अगर आप मुझे वहाँ तक पहुँचा देंगे आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ, हम लोग भी मुंबई जा रहे हैं। अरे जरा करीब आओ ना। जी, आप लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब? जी भाई साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे ट्रक से उतार दीजिए। अरे छोड़ कैसे दे, ट्रक से कोई बच के गया तो बच के जाएगी। मुझे छोड़ दीजिए, देखिए भाई साहब, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ेंगे मुझे, मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। लगता है बेहोश हो गई। मैं तो अभी सीधा पुणे से आ रहा हूँ, वो कौन था? साहब शक तो मुझे भी उस बदमाश पे हुआ था, लेकिन जब अशोक ने खुद कहा कि यही मेरे पुणे वाले अंकल है तो चुप रह गया। मगर इंस्पेक्टर साहब अब क्या होगा? होगा ठीक है, मैं अभी वायरलेस के जरिए हर चेक रैंकर को इन्फॉर्म करता हूँ। ओके, एक घंटा हो गया चलते चलते, ये जंगल का रास्ता खत्म ही नहीं होता। करूं चल, अब तो मेरी टांगे भी जवाब दे गई। अबे तो पहले खुजली भी तो तुझे ही थी कि बेचारी राधा को पेट्रोल पिलवा दो, बहुत दिनों से प्यासी है। अब चल, ना पेट्रोल डलवाते ना वो हमारे हाथ से जाती और ना ये हमारी हालत होती। अबे ठहर ठहर ठहर, वो क्या है? फिर से कर। एक दफा फिर से। थमचन थमचन, लगता है कोई सिग्नल दे रहा है, किसी को किसी का इंतजार है। चल रहा है, इसकी भी इंक्वायरी कर ले। चल। मिस्टर जॉनसन एंड मिस्टर थॉमसन, आप लोगों का इंतजार था जी, क्या कह रहे हैं आप? मैं जॉनसन वॉनसन नहीं, मैं तो दरअसल बात यह है कि जॉनसन मैं हूँ, यह है मिस्टर थॉमसन। क्योंकि आप लोगों से हमेशा बातचीत तो ट्रंक कॉल पे ही होती रही, इसलिए मैं आप लोगों को पहचान नहीं पाया। और मुलाकात का मौका तो आज पहली बार मिला है। आप दोनों लंबे सफर से आए हैं, पहले नहा धो के तैयार हो जाइए। दरअसल बात ये, मैं कभी नहाता नहीं, ये कभी धोता नहीं। आप नहाने को छोड़िए जी, पहले काम की बात कीजिए। काम की बात करो। काम आप लोगों से क्या छुपा है? ये 10-10 पैसे के खोटे सिक्के बना कर मैं तंग आ चुका हूँ। सारा महीना मशीनें काम करती हैं, लेकिन मुश्किल से 1.5 लाख का फायदा होता है। अब मैंने नकली नोट छापने की मशीन डाली है और पेपर भी इंपोर्ट कर लिया है, लेकिन कलर स्कीम में हम मार खा गए। ये तो बहुत ही घटिया रंग है जी। अजी, इस नोट के तो कोई 10 नए पैसे नहीं देगा। नहीं देगा। राइट। इसीलिए तो मैंने आप तो एक्सपर्ट लोगों को यहाँ बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि 10 से लेकर 100 तक की नोटों का कलर फॉर्मूला हासिल करूँ। देर किस बात की है बॉस, फौरन हासिल कीजिए। देखिए आप ऐसा कीजिए, आप ईस्टमैन कलर, गेवे कलर, टेक्निक कलर और वो कलर फूजी कलर, इन सब रंगों के मसाले मंगवा लीजिए और 1 चम्मच पानी में 2 चम्मच रंग मिला के रोजाना डिनर से पहले खुराक ले लीजिए, मामला फिट। और देखिए, अगर आपने बड़ा नोट बनाना हो जी 1000 का जी, तो मशीन भी बड़ी मंगानी पड़ेगी, सिनेमास्कोप। जैसे कि हमने जब पिछले साल अमेरिका में $10,000 का नोट बनाया, उन्होंने 70 मिलीमीटर की मशीन ये तो आप लोगों के कोड वर्ड्स हैं, मुझे तो ये सब कुछ प्रैक्टिकल वे में करके दिखाएंगे। जब यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो कुछ ना कुछ तो करके दिखाएंगे। मगर ख्याल रखिएगा, ये कुछ ना कुछ करने में हमारी फीस असली नोटों में होनी चाहिए। वो तो हम फॉरेन करेंसी मिलेंगे। दरअसल बात यह है कि थॉमसन एंड जॉनसन के अकाउंट
अकाउंट स्विट्जरलैंड के स्विस बैंकों में है। अच्छा, वेरी गुड। मैंने भी अपने अकाउंट स्विट्जरलैंड के तीन तीन बैंकों में खोल रखे हैं। इसकी रकम वहीं के वहीं मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब सुबह होते ही देखिए क्या 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 रंग जमते हैं। नेपाली संगी आपको बुलाओ, हमारे के खाते की जाए। जंगल के रास्तों में भटक रही थी, आपके ये दुष्कारी इसको अपने जाल में फंसा के लाए। मैं समझता हूं तोहफा पसंद करेंगे। अरे, ये तो अभी तक जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है हुजूर। जब शिकार जाल में फंसता है तो थोड़ी देर के लिए तो अपने होश खो ही देता है। बहुत खूबसूरत हिरनी है, इसे हमारे बेडरूम में ले जाओ।
बॉस एक्सक्यूज मी, ये काम आप हमें सौंप दीजिए, आज से हम भी तो आपके इम्पोर्टेड चमचे हैं। यू आर राइट, आप लोग इसे हमारे बेडरूम में ले जाइए और इसे होश में भी ले आइए। उसकी आप फिक्र मत कीजिए बॉस, हमने बड़े बड़े को होश सुधार दिए। पहले ये बताइए आपका बेडरूम कहाँ है? सीधा नीचे नीचे नीचे, हम अभी आते हैं, जल्दी आइए बॉस। बच्चन सिंह, सेठ नंदलाल ने पेमेंट दे दी? पिछला 1,00,000 रुपए कैसे बॉस, और 2,00,000 के सिक्के और मंगाए हैं। वेरी गुड बेबी, बेबी 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 बेबी, उठो 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 बेबी, एक कम जाए बस, उसे पानी ला, पानी पानी। वेलकम बॉस, वेलकम मिस्टर जॉनसन एंड मिस्टर थॉमसन। यस बॉस। कहाँ है वो मेरे खूबसूरत हिरनी? बॉस बाथरूम में है, बाथरूम में। बाथरूम में? यस, अपने हसीन जिस्म का हुसन धो रही है। खरगोश की आगोश में आने से पहले हर जंगल की हिरनी चश्मे में डुबकी लगाती है। रियली? पॉजिटिवली, एग्जैक्टली। बड़ी नटखट और चंचल कहने लगी, पहले मलमल के नहाऊंगी और फिर आपकी बाहों में आऊंगी। मैं मर जाऊं। यू आर राइट बॉस, अब तो 100% मर जाने का चांस आ गया। बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं, आप ठीक कहते हैं। डार्लिंग डार्लिंग, हम तड़प रहे हैं, अब हमें और ना तड़पाओ, हमारी बाहों में आ जाओ। कम ऑन, इतनी ही जल्दी है तो बाथरूम में आ जाओ ना स्वीट हार्ट, मेरी पीठ पर साबुन भी लगा देना। चांस बॉस, बुला रही है, घुस जाओ बाथरूम के अंदर। बाथरूम में घुस जाओ? एग्जैक्टली, लव इन बाथरूम बेटर देन लव इन टोक्यो। शबा के नीचे रोमांस करने से ऐसा लगेगा कि नायग्रा फॉल्स में गोते लगा रहे हैं। बॉस बॉस, उतारो फटाफट कपड़े और घुस जाओ नायग्रा फॉल के। उतारो कपड़े, उतारो कपड़े, कपड़े उतारो। बॉस डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। डार्लिंग, लव इन बाथरूम कैसा लगा? दरवाजा खोलो, यू कैरी फूल्स। Hello, gentlemen. We are Johnson Thompson from Kenya. Thagadika, Thagadika. Hey, Thompson, Johnson, Johnson, Thompson. Rangwala. Yes. No chapne wala. Yes. Please, Chavi. Hamara gaadi puncture ho gaya, late ho gaya. Never mind, never mind. Our boss is still waiting for you. Thank you, thank you, thank you, thank you. अरे मुझे साथ कैसे लेके जाएंगे, इसमें तो पेट्रोल ही नहीं है। अरे तू क्यों फिक्र करता है? वेट, आईडिया नंबर 00975। ओ, जो हर फोकटिया गाड़ी वाला इस्तेमाल करता है। जा उधर टैंकी में, डाल टैंकी में। हाँ धर्मचंद, उल्टा सांस खेच खेच खेच। अरे धर्मचंद, एकदम टैंक फुल करना। हाँ, तू फिकर मत कर, तू फिकर मत कर। अरे तुझे नहीं मालूम, इतने बरसों के बाद आज मैं राधा की प्यास बुझा रहा हूँ। अब तो तू कहे तो मैं चांद पर भी चला जाऊंगा। देखिए, आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे ना? अरे छोड़ देंगे,
तुझे तो घर तक लेके जाएंगे, तुम तो हमारी 10,000 की हुंडी हो। आप लोग इधर कहाँ जा रहे हैं? मैं तो बाइकला ब्रिज के पास रहती हूँ। बाइकला ब्रिज, अरे हम सब जानते हैं तुम कहाँ रहती हो। चल सीधे 29 जुहू पार्ले स्की। सेठ निहाल चंद खुशहाल चंद। हिबे फुरे। सेठ निहाल चंद खुशहाल चंद। हिबे फुरे। अरे खुशहाल चंद निहाल चंद। गुरु हिबे। कौन सा माला मेम साहब? अभी छोकरी कौन से वाले पे गई? टॉप फ्लोर बारामाला। बारामाला हाँ। इधर को दूसरा लिफ्ट है? है सब, इधर है बाजू में। प्रेम, तुम एक हफ्ते के अंदर अंदर दुबई के लिए रवाना हो जाओ। मौती, ये वही लड़की है जो आई अपने से। अभी तक मरी नहीं, तुम फिक्र मत करो, अब ये जिंदा नहीं बचेगी। चला जा। ओ विलन साहब, जानते नहीं इस लड़की की जिंदगी पे हम दोनों की कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 50-50 पार्टनरशिप है। हमारी अमानत में खयानत क्यों करता है? जानते नहीं हम तो खतरनाक आदमी है। मछली, बच्चों की पिस्तौल दिखा के मुझे डरा रहे? धर्मचंद ने खेल खेल में ही बड़े कारनामे दिखाए हैं, असली हथियार तो करमचंद रखता है। बेवकूफो, जानते नहीं मेरा नाम प्रेम चोपड़ा है? प्रेम चोपड़ा। जानते नहीं करमचंद की पिस्तौल में कभी गोली नहीं होती? नहीं, मुझे मार कर हमारे इनाम के पीछे क्यों पड़े हुए? पकड़ो ने। राम सिंह पहले आना। बोलो कैसे करो राम सिंह? टोपी गोली मार दूं तीनों को। नहीं राम सिंह, ये नेक काम हम खुद अपने हाथों से करेंगे। चलो ये गलत दिन नहीं करना, वरना 3 लाशों को ठिकाने लगाना मुश्किल हो जाएगा। बेहतर यही है कि इनको समंदर वाली खिड़की से कूद जाने दो, मछलियों का पेट भी भर जाएगा और इन लाशों को पता भी नहीं चला। ठीक है चलो जी, चलो 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 अब तुम भी चल चल चल। ये तो बहुत ऊंचा है जी, कौन सा माला है जी? 12वां माला, 12th फ्लोर। पहले माले से नहीं कूद सकते? चल बकवास बंद करो, मेरे 10 गिनने से पहले सब के सब कूद जाओ, गोली से उड़ा दूंगा।
चोपड़ा जी। क्या राष्ट्रीय भाषा में बोलिए ना, हिंदी में, हिंदी में। एक, दो, तीन, चार, चार, पाँच, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। सचिन, सचिन। सेठ निहाल चंद खुशहाल चंद की खिदमत में हम दो हिंदुस्तानी इंटरनेशनल जासूसों का कारनामा। सचिन, ये रही आपकी लाडली हेमावती, अब कहाँ है इसका होने वाला पति? इसके पांव में फौरन घसती की जंजीरें पहना दीजिए ताकि ये घर से कभी ना भाग सके और आपके माथे पे कलंक का टीका ना लगे। ये किस लड़की को पकड़ कर ले आए? ये मेरी बेटी नहीं है। हाँ। क्यों नहीं है? क्या इसमें आपको कोई मिलावट या बनावट नजर आती है? धर्मचंद, तू नहीं समझता, हर इंडियन बाप का यही क्लाइमेक्स है, अपने घर से भागी बेटी को ऐसे ही डायलॉग बोलता है। सेठ जी, गुस्सा थूक दीजिए और अपनी औलाद को पहचानिए। मैं अपनी औलाद को अच्छी तरह से पहचानता हूँ। इन आम के लालच में आप लोग जबरदस्ती मुझसे सौदा करना चाहते हैं। मेरी बेटी तो उसी दिन वापस आ गई जिस दिन उसको ढूंढने के लिए आप लोगों को मैंने एडवांस दिया था। अरे देखो ना ये लोग। अरे पिंकी, तुम यहाँ कैसे? कुछ ना पूछे माँ, ये लोग मुझे जबरदस्ती यहाँ पकड़ लाए। करमचंद, इस लड़की को कहीं देखा है? करमचंद, अरे ये तो वही लड़की है। जी हाँ, मैं वही हूँ। और पिताजी, यही है वो दो नेक फरिश्ते जिन्होंने मेरी आंखें खोली और मुझे आपके पास लौटने की नसीहत की थी। ये तो बहुत अच्छा काम किया इन दोनों ने, मगर बेटी हैरानगी इस बात की है कि इन दो अकलमंदों ने तुम्हारी जगह इस लड़की को लाकर इतनी बड़ी गलती कैसे की? नहीं 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 सेठ जी, हमने कोई गलती नहीं की। आपने जो फोटो दी थी उसी लड़की को हम पकड़ लाए। करमचंद, अगर सेठ जी की असली लड़की वो है तो फिर ये कौन है जिसके पीछे हमने इतनी भागदौड़ की है? और मैं जब अशोक से मिलने उसके घर पहुंची तो मैंने अपनी आंखों से उसे अशोक के डैडी का खून करते हुए देखा। उसने मुझे भी देख लिया था और फिर मेरी जान लेने मेरे पीछे भागा। करमचंद, दरअसल बात ये है। माफ करना दीदी, अगर सेठ निहाल चंद ने हमको गलत फोटो नहीं दी होती तो हम तुम्हें परेशान नहीं करते। अगर आप लोग मेरा पीछा ना करते तो वो खूनी मुझे जरूर जान से मार देता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जान बचाने के लिए भगवान ने मेरे लिए दो भाई भेज दिए। भाई? अरे सुना धर्मचंद, इसने हमें भाई कहा है। अरे बचपन से हम दोनों के ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन, और ये गुड़िया सी बहन मिल गई आज हमें। करमचंद, पैसे की लालच में हमने बहुत लफड़े किए, मगर आज इसने हमें भाई कह दिया। अब इसकी जान की रक्षा करना हमारा धर्म है। इसकी इज्जत हमारी इज्जत, इसकी जान हमारी जान। लेकिन करमचंद, इसकी जान के साथ साथ हमारी जान भी खतरे में आ गई है। कैसे? अरे उस शैतान ने इसके साथ हम दोनों को भी तो देख लिया। अरे तो क्या हुआ, खतरों से खेलना हम दो जासूसों की जिंदगी है। बोल बहन, तुम्हें क्या चाहिए? पहले आप लोग मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए, मेरी अंधी माँ रो रो कर परेशान हो रही होगी। नहीं पिंकी, नहीं, तुम्हारे घर के आसपास उस खूनी ने जरूर अपना जाल फैला रखा होगा, वहां तुम्हारी जान को खतरा है। फिर मैं अपनी माँ से कैसे मिलूंगी? आइडिया बोल करमचंद। जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता क्यों ना हम पिंकी को अपने दोस्त जॉन अंकल के यहाँ छोड़ दें। करेक्ट। मिस्टर अशोक की लाश इतनी जल चुकी है कि शनाख्त के बिल्कुल बाहर है। इंस्पेक्टर साहब, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि लाश मिस पिंकी की है, क्योंकि इस गाड़ी का नंबर प्लेट मुझे अच्छी तरह याद है। अरे तुम फिक्र मत करो ब्रदर, जैसा रोजी हमारा बेटी ऐसा पिंकी हमारा बेटी, इस घर में इसका सेफ्टी हम करेंगे। थैंक यू जॉन अंकल, थैंक यू वेरी मच। अब हम पिंकी की तरफ से बेफिक्र होकर अपना काम आराम से कर सकेंगे। उस हरामजादे का अड्डा तो कल रात से देख ही चुके हैं, फौरन पकड़ के पुलिस के हवाले कर देंगे। वहां भी जाने की क्या जरूरत है, मैं यहीं कहीं से पुलिस को फोन कर देता हूँ, अपने आप पकड़ ले जाएंगे। हाँ हाँ फोन कर देता हूँ। अरे तेरी अकल तो घास चरने गई है, जब देखो उल्टी बात करता है। अरे पुलिस अगर डायरेक्टली पकड़ लेगी तो हम किस काम के? दो जासूस करें महसूस, नाम हमारा होगा, अखबार में फोटो हमारी छपेगी। हो करमचंद, धर्मचंद एंड कंपनी जिंदाबाद। ओके जॉन, ओके रखे।
ये भी आउट ऑफ ऑर्डर। कोई बात नहीं, सीढ़ी से चलते। सीढ़ी? हाँ, जानता है 12 मंजिलें हैं, 12। कोई बात नहीं, इमरजेंसी। मैं नहीं 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 सीढ़ी मैं नहीं। अबे चल मोटे। कमांड बेबी, कमांड 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 कमांड। ओह माय गॉड, व्हाट ए बैड लक। बैड लक नहीं बॉस, गुड लक। खुशियां मनाइए, हमने उस सरिता देवी का गढ़ ढूंढ लिया जिसकी लड़की से शादी करके आप फिर से करोड़पति बन सकते हैं। शाबाश मेरे बहादुर, ऐसा लगता है मेरी किस्मत के बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं। कल रात वो कत्ल के तीनों चश्मदीद गवाह खत्म हो गए और आज लड़की का भी पता चल गया। वेरी गुड। मगर बात लड़की की माँ तो अंधी है। अंधी है जी। वेरी गुड, ये तो और भी अच्छा है। अंधी बुढ़िया को पटाना और भी आसान हो जाएगा। बारह बारह बारह। अबे बारह नहीं, ग्यारह। बारह बाबा, तू समझता मुझे गिनती नहीं आती क्या? बिल्कुल नहीं आती। मत भूल के तू मैट्रिक फेल है और मैं नाइन्थ पास हूँ। तो क्या हुआ? तेरे से मेरी एजुकेशन ज्यादा है। बीए पास वाले भी गलती कर सकते हैं, और फिर मेरी फूली हुई सांस तुझे नहीं समझ में आती कि ये पारा है? पारा तूने बराबर गिना था? हाँ गिना था, एक दो पाँच। ठीक ठीक आ रहा। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। करमचंद? हाँ। ओ करमचंद। हाँ, यहाँ का तो नक्शा ही बदल गया है। हमारे नक्शा क्या, दीवारें भी बदली हुई है, तस्वीरें भी बदली हुई है। अगले हफ्ते आएंगे सरकार, ये भी बदली जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ नए नए मॉडल आते हैं। आप तशरीफ रखिए, अभी पेश करती हूँ। करमचंद, करमचंद, मालूम होता है गलत फ्लैट में आ गए, सब तेरी वजह से। हाँ ओके ओके ओके, लेकिन ये घर तो किसी लेडी जेम्स बॉन्ड का लगता है। अरे धर्मचंद, जासूसी के चक्कर में नया एडवेंचर। लगता है इस फ्लैट में लड़कियों की इज्जत और आबरू का सौदा होता है। इतनी शानदार बिल्डिंग में ऐसी गंदगी छिपी हुई है। धर्मचंद, अब जब यहाँ आई गए हैं तो इस लेडी जेम्स बॉन्ड का भी जरा हिस्ट्री मालूम कर ली जाए, यानी कि समाज सुधार। लीजिए सरकार, गुलाब जैसे खूबसूरत चेहरे हाजिर हैं। सब तो बहुत खुश है, इसे क्या हो गया जी? जब देखो मुंह फुलाए खड़ी रहती है, इसीलिए कोई पसंद नहीं करता। जब से आई है दो पैसे की कमाई नहीं हुई। हट कंगा, मत मारो इसे, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ओ, तो आपने इसे ही पसंद कर लिया। हुजूर, अब आप भी किसी को पसंद कर लीजिए ना। मैं करमचंद? सोचता क्या है करमचंद? कम है प्लीज। अरे चलो ना, जाइए ना। चलो जल्दी, इधर बैठो, इधर जल्दी करो। अरे सिद्धार्थ, तुमने हमको पसंद किया या नहीं ये हमको नहीं मालूम, मगर तुम हमको बहुत पसंद है। तुम्हारी ये नीली नीली आंखें, ये भूरे भूरे बाल, ये लाल टमाटर जैसे गाल। अरे डार्लिंग, तुम तो एकदम अंग्रेज जैसा है, बिल्कुल इंपोर्टेड माल। अरे चुटी चुटी, तुम इतना खबर था क्या कोई? चले क्या पलंग पे? मुझे तो माफ कर दीजिए देवी जी, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी का पक्का पुजारी हूँ। जब आपने मुझे बहन कहा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये नीच काम हम बेसहारा लड़कियां किसी शौक या लालच से नहीं करती, बल्कि मजबूरन करना पड़ता है। भैया, काश मैं आपको अपनी पीठ पर हंटरों के निशान दिखा सकती जो हमारी नाक को हाँ में बदल देते। घबराओ नहीं बहन, मैं तुमसे वादा करता हूं कि एक दिन तुम्हें इस नक से जरूर आजाद कराऊंगा, तुम्हारी पीठ पे हंटरों के निशानों का बदला जरूर लूंगा। अब तो देख, मैं सीधा जाता हूं पुलिस को लेकर आता हूं और इस जुड़ेल बुढ़िया को अंदर करवाता हूं। अब पहले बारहवें वाला असली काम तो कर ले, ये तो बाद में करना ही है। हाँ, आ जा तू। चल, अब मैं गलती नहीं करूंगा। ये 11 है ना, ऊपर वाला 12, ये 11 है, याद रखना। Yes, morning.
अब्बास प्रेम चोपड़ा कहाँ है? वो घर में नहीं है। तो कहाँ है? कहाँ है? हाँ, ये मैं नहीं बताऊंगा। नहीं बताओगे? हाँ, मैंने अपने मालिक का 50 ग्राम नमक रोज खाया है। मैं हरामखोर नहीं बनना चाहता। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? ये क्या है? उंगली दे, उंगली दे। इसे बोलो ना उंगली ना दिखाए। क्या उंगली? क्या उंगली यार? मुझे कुछ होता है, ये जो कर रहा है। धर्मचंद। हाँ धर्मचंद। फॉर्मूला 006। हाँ हाँ, फॉर्मूला करो। उंगली मत दिखाओ। फॉर्मूला करेक्ट। इंटरनेशनल क्लब। बहुत को नहीं पता। इंटरनेशनल क्लब। इंटरनेशनल क्लब। गलती हो गई। हो गई। हेलो, कौन बोल रहा है? गोपाल, क्या बात है? प्रेम साहब? प्रेम साहब नहीं है। हाँ, बॉस है। बॉस से बात करो। बॉस, आपका फोन। हाँ बोलो। बॉस, वो कल वाले दोनों जिंदा है, मरे नहीं। कौन दोनों? वो कल रात वाले? ये कैसे हो सकता है? कहीं तुमने भंग तो नहीं पी रखी? बकवास किए जा रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा बॉस, ठीक कह रहा हूँ। वो दोनों अभी अभी मेरे पेट में गुदगुदी करके गए हैं और आप सबकी पिटाई करने आ रहे हैं। उन दोनों के साथ वो लड़की भी है या नहीं? नहीं, लकड़ी बकड़ी कोई नहीं। बहुत ही ठीक है ये लोग, मगर हैरानगी की बात तो ये है कि 12 माले से नीचे फेंकने के बाद भी ये लोग जिंदा कैसे? इम्पॉसिबल बात, ये हरगिज नहीं हो सकता। अरे पॉसिबल या इम्पॉसिबल ये तो अभी मालूम हो जाएगा, क्योंकि वो लोग सीधे यहाँ आने वाले। लेकिन अब करें क्या बॉस? करना क्या, जो पिछले साल कस्टमरों को धोखा देने के लिए किया था वो ही अब भी करते हैं। यानी कि मैं इंस्पेक्टर और तुम लोग कॉन्स्टेबल्स, अंडरस्टैंड? और रुक जाओ, तुम दोनों अंडर अरेस्ट हो। अरेस्ट? तुम लोगों पर इल्जाम है, तुम लोगों ने एक लड़की का अगवा किया है। हमें धर्मचंद और करमचंद प्राइवेट डिटेक्टिव्स, दो जासूस। और हमने उस लड़की का अगवा नहीं किया है, बल्कि उसे अपनी हिफाजत में रखा है। 2 दिन पहले जिस जनरल सिन्हा का कत्ल हुआ था, वो लड़की उसकी आई विटनेस है। और इंस्पेक्टर साहब, वो कातिल जिसने खून किया है वो इस वक्त भी इसी क्लब में कहीं मौजूद है। इंस्पेक्टर साहब, आप क्लब के चारों तरफ पुलिस का फोर्स डबल कर दो, ताकि वो बदमाश पकड़े ना पाए। आप लोग ये खबर बहुत लेट दे रहे हैं। हमने कातिल प्रेम चोपड़ा को गिरफ्तार करके हवालात में भी बंद कर दिया है। तो क्या कातिल गिरफ्तार हो गया? वंडरफुल, वेरी क्विक सर्विस। अब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे खतरनाक मुजरिम को कम से कम फांसी की सजा दिलवाऊं। जरूर दिलवाइए, जरूर दिलवाइए, लेकिन हमारे इनाम का ख्याल कर लीजिएगा, क्योंकि उस आई विटनेस लड़की को कातिल से बचाने के लिए हम दोनों ने अपना खून पसीना एक कर दिया है। पहले ये बताइए कोई लड़की है कहाँ? अरे इंस्पेक्टर साहब, हमने उस लड़की को अपने एक दोस्त जानकर मच्छी वाले के पास सरसवा गांव में छुपा रखा है। वेरी गुड, आप दोनों वाकई इनाम के काबिल हैं। हमें उस लड़की से खास बयान लेने हैं, इसलिए हमें फौरन वहां ले चलो। चलिए चलिए, जरूर चलिए। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस लोग का मदद करना हमारा प्रथम मानव धर्म है। आप हम लोगों के पीछे पीछे आइए। आइए आइए आइए। अरे वाह पिंकी, इस देश में तेरे को कोई साला नहीं पहचान सकता, तू तो बिल्कुल मच्छी वाली छोकरी लगती है। चल अपन इस बात पर आज तेरे को मच्छी पकड़ना सिखाता है। रोजी, तुम दोनों खाने का डब्बा लेकर धक्के पर आ जाओ, मैं चलता हूँ। और सुन 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 सुन, मेरे लिए रानी की दुकान से 4 मीनार की सिगरेट भी ले जाना। हाँ ले आऊंगी बाबा। अच्छा ए भैया, 2 पैकेट 4 मीनार देना सिगरेट। रोजी मैं फोन कर लूँ? हाँ हाँ, ये ले लो, 30 पैसा छुट्टा। हेलो, अशोक स्पीकिंग। अशोक, मैं पिंकी बोल रही हूँ। पिंकी? मगर ये कैसे हो सकता है, पिंकी तो मर चुकी है। नहीं नहीं अशोक, मैं जिंदा हूँ। तुमने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी? आवाज़ तो पहचान रहा हूँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे तुम जब मुझे मिलोगे ना, तब यकीन होगा। तुम अपना एड्रेस बताओ, मैं अभी आकर मिलता हूँ। वर्सोवा गाँव, मच्छीरों की बस्ती, डॉक्टर डिसिल्वर रोड। मैं अभी आता हूँ, और ये बातें माजी को भी बता कर आऊंगा, वो तुम्हारे लिए रो रो के बेहाल हो रही हैं। बस माता जी, मेरे पूज्य पिताजी की यही ख्वाहिश थी कि आपकी बेटी रानी बनकर रहे। उसे सुखी देखकर मेरे पिताजी की आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। तुम जो कुछ कह रहे हो सब ठीक है, लेकिन मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही? हाँ, कल ही मेरी बेटी पिंकी एक्सीडेंट में चल बसी। एक्सीडेंट? ये तो बहुत ही बुरा हुआ। इसका मतलब है कि मैं दोबारा करोड़पति कभी नहीं बन सकूंगा। माजी, माजी पिंकी जिंदा है, हमारी पिंकी जिंदा है। माजी है? ये तुम क्या कह रहे हो बेटे, कहीं तुमने सपना तो नहीं देखा?
नहीं माजी, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी भी से फोन पे बात किया और उसी को मिलने जा रहा हूँ। हाँ, जल्दी जाओ बेटा, मेरी बेटी को जल्दी से मेरे पास ले आ। सुना का लड़का पिंकी, तो क्या ये वही लड़की है जिसने मुझे खून करते हुए देखा था? अच्छा माजी, हम भी पिंकी को लेके आते। बस आज तो शैंपेन की बोतलें खुलनी चाहिए। भगवान ने आपको करोड़पति बनाने के लिए मरी हुई लड़की को फिर से जिंदा कर दिया। यह तो ठीक है कि वो लड़की जिंदा है, लेकिन शायद तुम ये नहीं जानते कि ये वही लड़की है जिसने मुझे सिन्हा का खून करते हुए देखा। हाँ, जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उसी को मारना चाहते हैं। व्हाट ए बैड लक, जिस लड़की का खून करना चाहता हूँ उससे शादी भी करना चाहता हूँ, मगर वो लौटेंगे कब? कुछ बोल नहीं सकता साहब, मच्छी ज्यादा लग गया तो शाम को ही आ जाएगा, ये तो दो चार दिन लगने को सकता है। मिस्टर धर्मचंद करमचंद। यस सर। मेरा ख्याल है कि हम मोटर लॉन्च से जाकर लड़की को खुद ही वापस ले आए। यू आर राइट। हाय रे हाय, डूबा हूँ मैं तेरी।
पहले उस लड़की से जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी और फिर उसका खून करना होगा। प्रेम प्रेम गुड न्यूज, मोती सेठ अपनी नकली पुलिस के साथ समंदर में गया है उस लड़की को मारने के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। आजा बच्चे। थैंक यू जानू कल। इंस्पेक्टर साहब, आजकल दुनिया में क्राइम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। आप ठीक कहते हैं इंस्पेक्टर साहब, गवर्नमेंट हमको हमारा इनाम पॉजिटिवली देगा ना? क्यों नहीं जरूर देगा, जरूर देगा। कोई बोट इस तरफ आ रही है, हम इन चारों का काम यहीं तमाम कर देना चाहिए। काम तमाम क्या मतलब? बेवकूफो, ये सरकारी असली पुलिस नहीं, प्रेम चोपड़ा की नकली पुलिस है। इन चारों का हाथ पांव बांधकर लंगर के साथ समुंदर में फेंक दो। ओके जल्दी करो, कसकर बांधो, देखो खुल ना पाए बिल्कुल। मोती, ये वही लड़की जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, रुक जाओ। ओ, आई सी। ए, इस लड़की को छोड़ दो और इन तीनों को बांध कर समुद्र में फेंक दो। हम अपनी जासूस कंपनी के नाम और शान के लिए एक मासूम लड़की की जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं। ऐसा लगता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। मैं तो पहले ही कहता था हमारा सामना एक बहुत बड़े बदमाशों के गैंग के साथ हो रहा है, इसलिए पुलिस का हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। यू आर राइट। अशोक, जब तक हम लौट के ना आए तुम पिंकी के साथ यहीं रहो। पिंकी बहुत अच्छा। ओके ठहरो ठहरो, ये आपका चिट्ठी। हमारा चिट्ठी किसने दिया? दो आदमी आया, मेरे को एक रुपया दिया, तुमको चिट्ठी देने को बोला। किधर है वो आदमी? वो तो चला गया, हम पन मिठाई खाने को जाता है। धर्मचंद, जरा पढ़ के सुना क्या लिखा है। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि पिंकी की अंधी माँ अब मेरे कब्जे में है। अगर पुलिस तक पहुँचने की कोशिश की और पिंकी को एक घंटे के अंदर अंदर सही सलामत मेरे हवाले नहीं किया तो उस बदनसीब बुढ़िया को जान से खत्म कर दिया जाएगा। इसीलिए आप लोगों से गुजारिश है कि वाशी क्रीक वाले नए पुल के पास या तो लड़की को अपने साथ लेकर आइए या उसी जगह से उसकी मां की लाश को उठा के ले जाइए। आपका चाहने वाला प्रेम चोपड़ा। कोई बात नहीं, हम दोनों वाशी क्रीक चलते हैं। पिंकी को लेके? सिर्फ हम दोनों। देखिए साहब, धर्मचंद और करमचंद वक्त के कितने पाबंद है। आपने 5 बजे कहा था, हम 5 मिनट पहले ही आ गए। मगर वो लड़की कहाँ है? वो लड़की वो तो अरे वो लड़की तो समंदर में डूब के मर गई। बॉस क्या बात है बशीर, बोलो। वो दोनों तो आ गए,
और कहते हैं लड़की मर चुकी है। लड़की मर चुकी? बकवास करते हैं। उन दोनों की आंखों पर काली पट्टी बांध को नहीं यहां ले आओ। चलो चलो पानी लो। बात है कि बेचारी समंदर में डूब कर मर गई। जी हाँ, हम सच कह रहे हैं और फिर सच के सिवा हम कभी कुछ कहते ही नहीं। और फिर जनाब चोपड़ा साहब, मैं तो आपको मशवरा दूंगा कि अब आप उसकी अंधी मां को छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? ये रही उसकी अंधी मां। जब इस बेचारी का इस दुनिया में कोई राह ही नहीं, ये किसके सहारे जिंदा रहेगी? राम से मां बेटी का मिलन करवा। चोपड़ा साहब, ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं कुछ नहीं, वो बस उस कमरे में एक छोटा सा बम रखा है जो थोड़ी देर में फट जाएगा और उसके साथ ही ये बेचारी बुढ़िया अपनी बेटी के पास सीधी स्वर्ग में पहुंच जाएगी। साहब, मैं आपको बताता हूं, लड़की जिंदा है। ये तो मैं पहले जानता था कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। साहब, जिंदगी में पहली मर्तबा झूठ बोला, वो भी पकड़े गए। शुक्र करो बच्चे मारे नहीं गए। अब तुम सीधा जाकर मिस पिंकी को हमारे पास यहां ले आओ। मैं अकेला? नहीं नहीं, अकेले क्यों, तुम्हारे साथ मेरा गुंगा पहलवान भी जाएगा ताकि तुम रास्ते में कोई गड़बड़ न कर सको। और सुनो, अगर लड़की एक घंटे के अंदर अंदर मेरे पास यहां ना पहुंची तो इस बुढ़िया के साथ साथ तुम्हारा ये दोस्त भी है। जब तक ये मोटा लड़की को वापस लेकर यहां नहीं आता, इस साले को भी कमरे में मत रखो। बस बस, मोती सेठ टेलीफोन पर आपसे कुछ प्राइवेट बात करना चाहता है। यस हेलो प्रेम, 10 लाख के माल से भरी स्टेशन वैगन थाने के पास जंगल में पहुंच चुकी है। तुम जाकर अपनी निगरानी में उसे आफ्टर चेक पोस्ट से निकलवा लो। मोती, वो लड़की मेरे कब्जे में आ गई है। मैं अभी इसी वक्त उससे शादी कर रहा हूँ। फिलहाल ये काम तुम खुद ही कर लो। प्रेम, जितना उस लड़की से शादी करना जरूरी है उतना ही माल को निकलवाना भी। मेरा वहां जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि चेक पोस्ट पर इंस्पेक्टर सोलंकी की ड्यूटी है। मुझे देखते ही उसे शक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। लेकिन मोती, तुम अपने साथ एक नकली पंडित और अपना मूवी कैमरा लेते आना ताकि शादी की फिल्म निकालने के बाद हम उस लड़की को खत्म करते हैं। ओके, डोंट वरी। आखिर उसको वो लड़की मिल ही गई। डैडी बॉय, यू मीन जो भी इस छोकरी से शादी करेगा करोड़ों की जायदाद का मालिक बन जाएगा। दैट्स राइट माय डियर सन। ओ डैडी बॉय, देन व्हाई नॉट मी? हम क्यों नहीं शादी करें? मगर प्रेम के होते हुए ये कैसे हो सकता है? ओ डैडी, यू आर अ फूल। व्हाट? देखो तुमको समझाता है, अगर ये 10 लाख का अफीम चरस यहाँ पहुंच भी गया सही सलामत तो तुमको कमीशन कितना मिलेगा? 50,000। गुड। और अगर तुम पुलिस का इन्फॉर्मर बनकर ये सारा माल पकड़वा दो और प्रेम को अंदर करवा दो तो तुमको गवर्नमेंट से इनाम मिलेगा 1 लाख। तुम हो जाएगा लखपति और हम उस छोकरी से शादी करके हो जाएंगे करोड़पति। करोड़पति? हाँ, अगर तुम बोलेगा तो फादर एंड सन 50-50। ओ माय डियर हिप्पी सन, You are clever than your father. चलो, हम अभी पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। चलो। अरे तुम तो जानते हो यार, प्रेम चोपड़ा ने खून किया हुआ है। एक दिन पकड़ा जाएगा, फिर फांसी की सजा हो जाएगी। बोलो, मेरी बहन विधवा नहीं हो जाएगी क्या? तुम्हारी बात में दम तो है। अरे तो इसी बात से तो दम निकला जा रहा है। हाँ, कोई लड़का शरीफ होता, भले गरीब होता, जैसे तुम हो। मैं? अरे आदमी तो तुम भी शरीफ मालूम होते हो, तुम क्यों नहीं शादी कर लेते? लेकिन प्रेम साहब के होते हुए शादी मैं कैसे कर सकता हूँ? अरे वाह, तुम तो बस वही हो। अरे 1500 के लिए रोज बुरे काम करते हो, लोगों पे गोलियां चलाते हो, और करोड़ों रुपए के लिए एक प्रेम चोपड़ा पे गोली नहीं चला सकते? चला सकता हूँ, लेकिन ये बात किसी से कहना नहीं। जायदाद में से कुछ हिस्सा तुमको भी दूंगा। आगे ना लाइन पे मिलाओ हाथ, यहाँ से हिलो तो गोली मार दूंगा। चला दिए चक्कर, कर गए गद्दारी।
अरे मेरे भोले राजा, मैं तो ये देख रहा था कि तुमको मुझ पे भरोसा है या नहीं। भला तुम ही बताओ, कोई अपने होने वाले जीजे पे गोली चलाएगा? है? ये पिस्तौल? अरे आपने मेरा पिस्तौल मुझे वापस कर दिया, यानी कि रिश्ता पक्का? और क्या? भाई साहब, आप ये पिस्तौल अपने हिफाजत के लिए छुपा के अपने पास रखिए, और मैं उस कमीने प्रेम चोपड़ा को दोनों वाली बंदूक से रस्ते में खत्म करके आता हूँ। भाई साहब, अगर आप बुरा ना मानिए तो एक बात कहूँ। जिस बदमाश से आपने अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर लिया है, उसकी तो पहले से 3-3 बीवियां हैं। ओहो, तो इसका मतलब है मैं तो फंस गया। मेरे होते हुए आप नहीं फंस सकते। अगर आप इजाजत दे तो मैं शादी करने को तैयार हूँ। मैं तो राम सिंह को वचन दे चुका हूँ। वचन? वचन अब अधूरा ही रह जाएगा, मैं उसे जान से मार डालूंगा। अरे तो इसका मतलब है कि असली जीजाजी तो आप है? आहिस्ता बोलिए साले जी, कहीं कोई सुन ना ले, मैं भी आपको खोलता हूँ। अरे छोड़िए, मैं खुद खोलूंगा। ये लीजिए राम सिंह की पिस्तौल, और जाते ही उसी पर छे की छे चला देना। लाल 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 लाल। क्या रे धर्मचंद, तुम अकेला? वो करमचंद किधर है? करमचंद? अरे वो पिंकी की माँ के पास है। पिंकी बेटे, तुम जल्दी से कपड़े बदलो, हमें इसी वक्त तुमसे मिलने जाना है। जल्दी जल्दी। मामला बहुत सीरियस हो गया। कहाँ जाना? करमचंद और पिंकी की माँ उस बदमाश के कब्जे में है, उनकी जान खतरे में। उनको बचाने के लिए हमें पिंकी को वहां ले जाना बहुत जरूरी है। हमें आधे घंटे में उन्हें बचाने के लिए वहां पहुंचना है। अशोक, देखो तुम ऐसा करो, तुम दूर दूर से हमारा पीछा करो और देखो वो हमें कहां लेके जाते हैं, क्योंकि वाशी खाड़ी के बाद उन्होंने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उसके बाद का रास्ता तो मुझे भी नहीं मालूम। चौनकर, तुम ऐसा करा कि तुम पुलिस को लेकर वाशी खाड़ी पहुंचो, वहां तुम्हें अशोक मिलेगा, उसके बाद का रास्ता ये तुम्हें ना बताए। आओ पिंकी, आओ चले। सबके सब अजी जाएंगे कहां? मेरी बहन की जायदाद के लिए सबके सब भूखे कुत्ते हो गए हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं, और एक दूसरे का खून खराबा करने गए हैं। अब उनमें से कोई बच के नहीं आएगा। वंडरफुल, यू डोंट वरी। डैडी बॉय, ये तो हमारे लिए और भी अच्छा हुआ। अजी खाक अच्छा हुआ। देखिए जनाब, प्रेम चोपड़ा ने मेरी बहन के साथ शादी करके मुझे 15 लाख कैश देने का वादा किया था, और ये कमीने उस मासूम फरिश्ते को भी मार डालेंगे। आई सी। देखो ये मेरा लड़का है, GL हिप्पी, सन ऑफ सर मोतीलाल सिप्पी। ऐसा शरीफ और समझदार लड़का तुम्हें पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा। ये अपनी बहन की शादी इसके साथ क्यों नहीं कर देते? जी ये ब्रदरिल्ला, अगर मिस्टर प्रेम ने तुमको 15 लाख रुपया देने का प्रॉमिस किया, हाँ। तो हम तुमको उसका डबल अमाउंट देगा। यू मीन 30 लाख? लेकिन उस प्रेम चोपड़ा का क्या होगा? ओ ब्रदरिल्ला, डोंट वरी, मैंने उस इडियट को लॉकअप में बंद करा दिया। तो फौरन आप अपने बेटे की शादी मेरी बहन से कर दीजिए, और मुझे 30 लाख कैश दे दीजिए, मैं हिंदुस्तान छोड़कर पैरिस चला जाता हूँ। करमचंद, मुझे नहीं मालूम था तुम इतने कमीने निकलोगे। रुपए की लालच में तुम एक मासूम लड़की की जिंदगी का सौदा कर रहे हो। धर्मचंद, पैसे के लिए इंसान को कुछ भी करना चाहिए। करमचंद तू नीच है, मैंने सोचा भी नहीं था कि तू इतना गिर जाए। जलील इंसान, लालची, पुरानी दोस्ती खातिर चुप हूं, वरना एक दू हड्डी पसली नरम कर दू। देखा साहब आपने, आपके सामने इसने मुझे गाली दी, थप्पड़ मार दिया, इन हालात में शादी नहीं हो सकती। नो वायलेंस, नो प्लीज, मैरिज टाइम हैप्पी टाइम, अहिंसा परमो धर्म। ओ माय डियर स्वीट स्वीट ब्लू वाइट विलेन, व्हाई यू वांट वॉर? गुंगे, इनको पीसफुली रस्सी में बांधो, चलो गंदी आदत। हेलो डार्लिंग, अब अपना शादी होगा, हाउ डू लाइक इट? नहीं, मैं शादी हरगिज नहीं करूंगी। क्या कहा? तू ये शादी नहीं करेगी? शर्म कर बेहया,
एक मासूम बच्ची पे हाथ उठाता है, हरामखोर, पैसे की खातिर तुमने अपने जो शो इंस्पेक्टर साहब, मैंने उनका यहाँ तक पीछा किया मगर मेरा टायर पंचर हो गया। लेकिन वो लोग गए किस तरफ? इसी जंगल में। कमान ड्राइवर, हरे आप, चलो शो पीछे बैठो, कमान। पुलिस, जल्दी गाड़ी मत रोको और बैरियर को तोड़ दो। भाग रहा, मगर बेटी तू तो अशोक से शादी करने वाली थी और ये अचानक। नहीं माँ, मैं इसी से शादी करूंगी, इसने मेरी जान बचाई है। अच्छा बेटी, जैसे तेरी इच्छा। थैंक यू मम्मी बेबी, यू आर ग्रेट, वेरी गुड। धर्मचंद, कन्यादान की तैयारी करो। मुझे पुलिस के फंदे में फंसा कर खुद अपने बेटे की शादी कराने चला था। तुम हमको छोड़कर चला गया, तुम्हारा शादी भी नहीं देखा। देखा चोपड़ा साहब, मैंने जो कहा था ठीक है ना? बेटे, अब तो शादी होने से पहले तुझे भी तेरे बाप के पास पहुंचाता हूँ। नो नो, आई डोंट वांट वायलेंस। अगर तुम बोलेगा तो हम इससे शादी नहीं करेगा, हम इससे राखी बनवा लेगा, हम इसको अपनी बहन कहेगा। चोपड़ा साहब, आप इसे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए इसे, लेकिन आपने अपने गद्दार दोस्त को मार के बहुत अच्छा किया। लाइए एक पिस्तौल मुझे दीजिए, ताकि मैं भी अपने इस कमीने दोस्त को गोली मार के अपनी दिल की प्यास बुझा लूं। सली कुत्ते लालची कमीने, मरने के लिए तैयार हो जाए। राम जादो, धर्मचंद और करमचंद को अलग करने वाला आज तक इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ। रोशनी चांद से होती है, सितारों से नहीं, दोस्ती एक से होती है, हजारों से नहीं। एमरजेंसी, इन आखिरी हथियारों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। निकाल दो, निकाल निकाल। ये ड्रम पकड़ो। मुझे बचाओ, मेरे पीछे पुलिस लगी है, बाहर चलने के लिए। कहाँ पुलिस? इधर ही आ रही। इधर ही आ रही। गुंगा, तुम लोग अपनी जान बचा के भाग जाओ। बकवास की तो चलती गाड़ी से बाहर फेंक दूंगा। दोनों ने मिलके किया है और अब आखिर में अकेला नाम कमाना चाहता है। हाँ। अरे बेवकूफ, मैं नाम नहीं कमा रहा था, मैं प्रेम चोपड़ा को पकड़ रहा था। तेरी गलती से भाग गया वो।
भाग गया तो अच्छा हुआ, भाग गया, लड़की तो है, चल उसे लेके वापस चलते हैं, चल उसे लेके वापस चलते हैं। उस मुजरिम को पकड़ना भी तो हम दो जुसों का काम है, हमारा काम है। हाँ, तो ले अभी पकड़ता हूँ, चल आजा, आजा, चल आजा। अबे तू उधर बैठ, मैं उधर नहीं, तू उधर बैठ। अबे तेरा लाइसेंस कच्चा है बेवकूफ। अरे इसके बाद सरकार मुझे पक्का लाइसेंस दे देगी, मानेगा थोड़ा ही। प्रेम चोपड़ा बदकवाज कहां गुम हो गया? हा? वो तो भूत की तरह गायब हो गया। धनचंद वो देख, हमें धोखा देके दूसरी सड़क पे जा रहा है। अरे तू फिक्र मत कर, मैं अभी रिवर्स करके उसे पकड़ लेता हूं। नहीं नहीं, रिवर्स करने की जरूरत नहीं, ये कच्चा रोड है ना, इस पे डाल दे। झोपड़े में घुसा दिया, कहा था तेरा लाइसेंस कच्चा है। अरे करमचंद तू समझता क्यों नहीं है, हम दोनों खुफिया जासूस हैं। अरे प्रेम चोपड़ा को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम उसका पीछा कर रहे शिकार जनाबे प्रेम केकड़ा। चोपड़ा से केकड़ा हो गया। ए मिस्टर, चलो बाहर निकलो। मेरी चट्टी तो लोगों के पास है। इंस्पेक्टर साहब, ये है वो महाशय जिन्होंने जिंदगी में कभी बुरा काम किया ही नहीं, जनाबे प्रेम चोपड़ा। जनाबे प्रेम केकड़ा, यू आर राइट। चलिए केकड़ा साहब, चलिए तालाब के अंदर, चलिए चलिए। घबराइए नहीं, घबराइए, आप नहीं उतारेंगे, आप नहीं उतारेंगे। चलो। और ये लीजिए, इन्हें 100-100 के नोट बनाने का बड़ा ही शौक है। इनके लिए एक प्रेस अंदर लगवा दीजिएगा। अभी लगवा देता हूँ। और इंस्पेक्टर साहब, ये है कन्या पाली के, सदा धर्म कर्म की कमाई खाई है इन्होंने। जी हाँ, और हंटरों का बहुत शौक है इन्हें, समझ गए ना, वो भी पूरा करवा दूंगा। ये लीजिए, देखिए ये है केकड़ा साहब के दो प्यादे। जनाब इंस्पेक्टर साहब, ये सब तो हो गया, सरकार हमें हमारा इनाम तो देगी ना। जरूर जरूर, जल्दी करवा दीजिए, आप तो जानते हैं आजकल। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। और सुनो सुनो, अपने दोनों भाइयों को भूल मत जाना, हा? और रक्षाबंधन के दिन हम हमेशा तुम्हारे घर आएंगे। हा? चल करमचंद। आओ धर्मचंद। धर्मचंद तैयार, गाड़ी आ रही है। ओके ओके। जो जासूस करे महसूस कि दुनिया बड़ी खराब है, कौन है सच्चा कौन है झूठा, हर चेहरे पे नकाब है, जरा सोचो जरा समझो जरा संभल के रहो।